हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 14 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जून को। एंड फॉर दिस ईयर थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट न्यूज है, द यूनाइटेड नेशंस हैज सेड 2025 विल बी डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यूएन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड द इनिशिएटिव विल बी ईयर लॉन्ग एंड वर्ल्ड वाइड। एंड द ओपनिंग सेरेमनी इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट ऑन January 14, 2025 इन बर्लिन। नेक्स्ट न्यूज है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग इट्स 112th एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा फ्रॉम 3 to 14 June 2024। सो ILO ने ऑर्गेनाइज किया है इसका 112th एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? जेनेवा में। एंड इसमें इंडिया से 3 लोगों की टीम, इंडियन ट्राइपार्टाइट डेलीगेशन लेड बाय सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुमिता दरुबा पार्टिसिपेट। इंडिया से 3 लोगों की एक टीम पार्टिसिपेट किया है जिसको लीड कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुमिता दरवा। नेक्स्ट इज, यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशंस ट्वाइस ए ईयर अकॉर्डिंग टू UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अलाउ किया है यूनिवर्सिटीज को टू ऑफर एडमिशंस ट्वाइस ए ईयर, दैट इज फ्रॉम July to August एंड January to February फ्रॉम द 2024-25 अकेडमिक सेशन। नेक्स्ट इज, द स्मॉलेस्ट नोन ग्रेट एप्पे डिस्कवर्ड इन जर्मनी डेटिंग ऑन 11 million ईयर्स एगो। सो एक स्मॉलेस्ट ग्रेट एप्पे डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? जर्मनी में, जो कि 11 million ईयर्स एगो के है। एंड द स्पेसिस कॉल्ड बोरोनियस मैनफ्रेड मिजी, बोरोनियस मैनफ्रेड मिडी। नेक्स्ट इज, एक्वाकल्चर इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग द वर्ल्ड्स फूड नीड्स सरपासिंग वाइल्ड फिशरीज इन एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, द UN's फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक्वाकल्चर इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग द वर्ल्ड्स फूड नीड्स, इसको सरपास करके वाइल्ड फिशरीज इन एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन को। नेक्स्ट इज, इंडियन आर्मी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है विद्युत रक्षक। एंड इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च बाय आर्मी वाइस चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट न्यूज है, द लॉन्च ऑफ मिसाइल कॉम एमुनिशन बार्ज LSM-13 Yard-81, द फिफ्थ बार्ज ऑफ 08X मिसाइल कम एमुनिशन बार्ज प्रोजेक्ट। सो लॉन्च किया है एक मिसाइल कम एमुनिशन बार्ज LSM-13 जो कि फिफ्थ बार्ज है द 08X मिसाइल कम एमुनिकेशन बार्ज प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट इज, सत्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी लूज नंबर वन रैंकिंग स्लिप टू थर्ड इन द लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग, सत्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो कि नंबर वन रैंक में थे, अभी वो थर्ड रैंक में है। नेक्स्ट इज, इंडिया गुलवीर सिंह क्लिंचेस सिल्वर मेडल इन मेन्स 5000 meter रेस एट पोलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट इन US। सो पोलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट जो कि हो रहा है US में, उसमें इंडिया के गुलवीर सिंह ने क्लिंच किया है सिल्वर मेडल इन मेन्स 5000 meter रेस। नेक्स्ट है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट अमूल काले पास अवे। सो अमूल काले डायट जो कि थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। थैंक यू।